डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईवन कोचिंग सेंटर पर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो कुछ ऐसा है कि लोग ज़्यादा इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को दिमाग में ठूसते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगाते हैं, और बिकॉज इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन याद करते हैं तो क्या है कि एग्ज़ाम के अंदर उतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना कि उतना जोर लगाने पर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उसको बड़े अच्छे से करवाने वाला हूँ ताकि कम एफर्ट्स में हमें ज़्यादा रिजल्ट मिले। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड मैथ की, इंग्लिश की, जीके की आपको मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस देश के कैबिनेट ने 2 साल पहले निकलने के बाद, और एक और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स को इससे फायदा होगा। तो भाई हुआ क्या, 2 साल पहले एक देश राष्ट्रमंडल मतलब कि कॉमनवेल्थ का जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे निकल गया था 2 साल पहले, लेकिन फिर से वो वापस जुड़ रहा है, तो ऐसा कौन सा देश है? तो भाई ऐसा देश है मालदीव्स। तो हुआ क्या था कि मालदीव्स ने पहले बोल दिया था कि हम कॉमनवेल्थ से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई कॉमनवेल्थ क्या है, आपके दिमाग में आएगा। तो भाई कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 53 देश हैं, और इन सारे देशों की खासियत क्या है कि इन कॉमनवेल्थ के अंदर जो भी देश हैं उनमें से ज़्यादातर देश या तो अंग्रेजों के कॉलोनी रहे हैं, गुलाम रहे हैं, या फिर भाई किसी न किसी तरह उनके अंडर रहे हैं। तो एक हिसाब से आप कैसे बोल सकते हैं मोटा मोटी कि जो भी देश अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं एक टाइम पर, वो सारे उन सारों का एक ग्रुप है जिसे कॉमनवेल्थ बोलते हैं, और उन्हीं देशों के बीच में कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं। तो टोटल ऐसे 53 देश हैं, ठीक है। मालदीव्स दोबारा से जुड़ने का उसने प्रपोजल रखा है, और अब ये इकट्ठे क्यों आए हैं, ये इकट्ठे आए हैं कि भाई जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो कि हम सारे गुलाम थे भाई अंग्रेजों के, वो देश आपस में एक दूसरे की, ताकि इकोनॉमी में हेल्प हो, सोशल डेवलपमेंट में हेल्प हो, हैं ह्यूमन राइट्स में आपस में मेंबर कंट्रीज़ में हेल्प करें, इस चीज़ के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ठीक है। तो मालदीव्स इसका आंसर है, और ये जो मालदीव है ये प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो नए प्रेसिडेंट हैं इनके, उनको नवंबर 19 ने उन्होंने ये बात रखी है कि भाई हम दोबारा जुड़ना चाहते हैं, और मालदीव्स की कैपिटल है माले। देन हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि भाई इंटरपोल क्या है, ठीक है। तो भाई इंटरपोल है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, तो यहां से हमने लिया इंटर और यहां से लिया पुलिस, तो आप इसको इंटरनेशनल पुलिस कह सकते हो। तो इसके नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये इंटरनेशनल पुलिस सबसे पहले करती क्या है, देखो इस दुनिया के अंदर, ये धरती है, इस दुनिया के अंदर कई देश हैं, हैं, तो हो सकता है एक बंदा एक जगह से क्राइम करके दूसरी जगह भाग जाए, दूसरी जगह से क्राइम करके तीसरी जगह भाग जाए, तो अलग अलग देशों की जो पुलिस है उसको आपस में कनेक्शन देने के लिए, ताकि उसके बीच में कनेक्शन हो जाए, एक बॉडी बनाई गई है, ठीक है, उसको इंटरपोल बोलते हैं। तो वो क्या करेगी, हर एक तरह की पुलिस की जानकारी को वो मतलब बीच में एक लिंक है, ताकि इंटरनेशनली पुलिस है वो अच्छे से काम कर पाए, दूसरे देश से क्रिमिनल को एक्स्ट्रा राइट किया जाए, ठीक है। जैसे वीजा मालिया भाग गया ना, तो हम इंटरपोल की हेल्प ले लेंगे। तो यहाँ पर नया राष्ट्रपति उसका प्रेजिडेंट कौन बना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और ये बना है किम जोंग यंग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, और किम जोंग यंग जो है वो साउथ कोरिया का एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, साउथ कोरिया का पुलिस ऑफिसर है, और जो इंटरपोल है उसका हेडक्वार्टर है लयोन में, फ्रांस में, ठीक है मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया हाई कोर्ट खोलने के लिए बोल दिया, तो भाई हर एक स्टेट का,
और हर एक यूटी का एक अपना हाई कोर्ट होता है, कुछ स्टेट और यूटी ऐसे हैं जिनके कंबाइंड हाई कोर्ट हैं, ऐसा भी प्रोसीजर है कि कंबाइंड हो सकते हैं। तो हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश जब दो राज्यों में बटा है, 2014 में ये बटा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है हैदराबाद पहले जो थी वो तेलंगाना में चली गई थी, ठीक है। तो कई दिनों तक तो इन्होंने राजधानी को भी शेयर किया, तो अब जो हाई कोर्ट था वो भी आंध्र प्रदेश में एक ही था। लेकिन अब हुआ क्या, आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो तेलंगाना में चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होएगा, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट तेलंगाना में चला गया था, अब आंध्र प्रदेश को नया वाला दे रहे हैं, और ये 25वां हाई कोर्ट है हमारे देश का, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर ये तेलंगाना है, ठीक है। तो हैदराबाद में चला गया था इनका हाई कोर्ट, अभी आंध्र प्रदेश को अपना नया मिल गया है, और आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, अमरावती है, ठीक है मेरे भाई, अमरावती है इनकी कैपिटल। और सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, और गवर्नर है ESL नरसिम्हा। देन किस भारतीय पत्रकार ने साहस के लिए 2018 का लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड ये जीता है, क्रेज के लिए, ठीक है। तो भाई ये जीता है स्वाति चतुर्वेदी ने, स्वाति चतुर्वेदी जो एक इंडियन जर्नलिस्ट है, अपने साहस के लिए जानी जाती है, इन्होंने नरेंद्र मोदी का भी इंटरव्यू लिया था, ठीक है। तो इनको क्या मिला है, लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड फॉर क्रेज, क्रेज मतलब साहस, साहसी काम करने के लिए, अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए, बिना डरे काम करने के लिए, ठीक है। तो द प्राइज फॉर क्रेज इज गिवन टू जर्नलिस्ट, ये उन जर्नलिस्ट को दिया जाता है जो करेज दिखाते हैं अपने काम के अंदर, बिना डरे काम करते हैं, किस चीज के लिए, इन डिफेंस एंड प्रोमोशन ऑफ जर्नलिज्म, और जर्नलिज्म को प्रमोट करते हैं कि भाई हम फ्रीडम से काम करेंगे, ठीक है। तो स्वाति चतुर्वेदी याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी का भी इन्होंने इंटरव्यू लिया था, हैं, और नरेंद्र मोदी ने ये बोल दिया था कि जैसा तुम टीवी पर बोलते हो, ये मैं स्वाति चतुर्वेदी की जुबानी बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने आकर बोल दिया था कि जैसा तुम टीवी पर और लोगों के साथ इंटरव्यू लेती हो, अगर वैसा इंटरव्यू लिया तो मैं इंटरव्यू छोड़कर चला जाऊंगा, ठीक है। तो स्वाति चतुर्वेदी ने एक बुक भी लिखी है जो है I am a troll, तो ये तो डायरेक्टली भाई टारगेट कर ही रही है बीजेपी को, इनसाइड द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ बीजेपी डिजिटल आर्मी, ये इनकी बुक है, काफी फेमस हुई है, तो ये भी आ सकती है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। देन किस भारतीय व्यक्तित्व को, मतलब कौन से भारतीय व्यक्ति को मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो भाई मैक्सिको का हाइएस्ट सिविलियन ऑनर जो कि दूसरे देशों के आदमी को दिया जा सकता है, ठीक है, दूसरे देश को मैक्सिको जो हाईएस्ट अवार्ड दे सकता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मैक्सिकन ऑर्डर ऑफ द एजटेक ईगल, दूसरे देश वाले को सबसे बड़ा यही नाम दे सकता है। तो ये मिला है श्यामा प्रसाद को, ठीक है जी, श्यामा प्रसाद को। अब श्यामा प्रसाद को अवार्ड क्यों मिला है ये मैं बता देता हूँ, ये चीज मैं बता चुका हूँ, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो एक फॉरेनर को मैक्सिको वाले दे सकते हैं ये। तो भाई ये श्यामा प्रसाद गांगुली ऑप्शन ए को मिला है इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग वर्क, आउटस्टैंडिंग मतलब कि भाई खतरनाक काम उन्होंने किया है, किस चीज में, इन द स्टडी एंड डिसेमिनेशन। अब ये डिसेमिनेशन क्या होती है, डिसेमिनेशन होती है डिसएमिनेट करने का मतलब होता है सर्कुलेट करना, तो डिसेमिनेशन क्या हो गई, सर्कुलेशन करना मतलब कि फैलाना किसी चीज को, तो उन्होंने किस चीज को फैलाया है, मतलब कि किसी चीज का प्रमोशन करना, और स्पेनिश लैंग्वेज एंड मैक्सिकन कल्चर, इन चीजों का प्रमोशन किया ना मैक्सिकन कल्चर का, श्यामा प्रसाद, अब प्रसाद की तरह बांट दिया इन्होंने, आप याद करोगे प्रसाद की तरह बांट दी ये, मैक्सिकन कल्चर फैला दी, ठीक है। तो इसलिए इनको मैक्सिकन ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल मिला है। देन किस देश की अंडर 17 लड़कों की टीम ने सुबर्तो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2018 जीता, तो अंडर 17 बॉयज सुबर्तो कप कौन से देश ने जीता है, तो भाई ये जीता है बांग्लादेश ने, क्लियर है, बांग्लादेश ने। और सुबर्तो कप कौन से गेम से रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए, ये रिलेटेड है मेरे भाई फुटबॉल से, ठीक है। बाकी इसमें यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है सुबर्तो कप फुटबॉल से रिलेटेड है। 2018 का ग्लिट्समैन पुरस्कार किसने जीता, हु वॉन द 2018 ग्लिट्समैन अवार्ड, तो ये जीता है मलाला यूसुफजई ने, मलाला यूसुफजई के साथ एक और नाम है कैलाश सत्यार्थी, कुछ दिमाग की घंटी बजी या नहीं,
नहीं बजी तो थोड़ी देर में बजेगी। तो भाई मलाला यूसुफजई को ये अवार्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया है, ठीक है। और क्यों दिया है? क्योंकि वो गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। मलाला यूसुफजई को गोली भी मार दी थी टेररिस्ट ने, उसके बाद भी वो रुकी नहीं, ठीक है। और आप वीडियो देख रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली आपकी आपसे उम्र में छुट्टी होगी, वो देख लेना एक बार इंटरनेट पर, ठीक है। तो भाई मलाला यूसुफजई, इन दोनों को मैं लिंक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 2014 के अंदर जो पीस प्राइस मिला था वो दो लोगों को मिला था, है? एक तो मतलब नोबेल पीस प्राइस, एक तो मलाला यूसुफजई को और एक कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी इंडियन है, मलाला यूसुफजई पाकिस्तानी है। तो यहाँ पर तो देखो पार्टनरशिप बनी है इंडिया और पाकिस्तान की, और यहाँ पर ये एक बुक है मलाला यूसुफजई की, ठीक है, मतलब मलाला यूसुफजई के बारे में है। देन हु इज द रिसिपियंट ऑफ फीका एमर्जिंग आर्टिस्ट अवार्ड? तो भाई फीका एमर्जिंग आर्टिस्ट अवार्ड किसने जीता, मतलब कि एमर्जिंग आर्टिस्ट, उभरते हुए कलाकार को ये देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भाई ये फीका क्या है। फीका है फाउंडेशन फॉर इंडियन कंटेम्परेरी आर्ट। तो इंडिया की जो कंटेम्परेरी आर्ट है उसके लिए एक फाउंडेशन है, ये उसको प्रोमोट करने का काम करती है। तो भाई ये जीता है ऑप्शन सी, अनुपम रॉय ने, ठीक है। तो अनुपम रॉय, ये जो फीका है ना, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको खुद कोई फायदा नहीं चाहिए, बस इंडिया की कंटेम्परेरी आर्ट को ये प्रमोट करती है, ताकि जो भी लोग कंटेम्परेरी आर्ट से जुड़े हुए हैं, जैसे आर्टिस्ट हैं, इनको फायदा होए कुछ, ठीक है, इनके ऑडियंस बढ़े, ठीक है। तो अब ये अनुपम रॉय को क्यों मिला है ये मैं आपको बता दूं। अनुपम रॉय है भाई फीका वाले, ठीक है, फीका अनुपम रॉय। अब देखो कोई चीज़ मीठी नहीं होगी, किसी बंदे को कोई फीकी चीज़ खिला दोगे फीका तो रोएगा ही, है, मीठी चीज़ से हंसेगा, ऐसे आप याद रख सकते हो, फीका खाया तो रोया, अनुपम रोए ही रोए। तो हिज लार्ज स्केल ड्राइंग एंड पेंटिंग, तो लार्ज स्केल ड्राइंग और पेंटिंग करता है जो ये अनुपम है, इसलिए उसको ये मिला है। किस चीज़ से रिलेटेड करता है? सिस्टमेटिक वॉयलेंस एंड इनजस्टिस से, मतलब उसकी जो पेंटिंग है ना वो वॉयलेंस और इनजस्टिस दिखाती है, उसको रोकने की कोशिश करती हैं। तो उसकी एक लार्ज स्केल पेंटिंग मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है, तो एक बार मुझे बताना ये किस चीज़ से, क्या ये दिखा रही है, कमेंट करके बताना, मुझे तो कोई खास पता नहीं चला। देन भारत ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सीबैक्स 2018 किस देश के साथ किया? तो भाई सबसे पहले तो ये द्विपक्षीय, या फिर इंग्लिश में बोले तो बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज। इस बाइलेटरल का मतलब जान लो, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो यूनिलेटरल होती है, एक बाइलेटरल होती है। मैं सिंपल से आपको बात बताऊं, देखो यूनिलेटरल के अंदर सिर्फ एक बंदा इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर आ गई यूनी, और बाइलेटरल के अंदर दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं। कैसे? मान लो दो देशों की आर्मी आपस में एक्सरसाइज कर रही है, और उन दोनों देशों की आर्मी को सिंपल सी एक्सरसाइज करवाई। कैसी एक्सरसाइज करवाई? एक तो करवाई रस्सा चढ़ने की। तो एक बात बताओ, जो रस्सा चढ़ने की एक्सरसाइज है उसमें क्या होएगा? आपको दूसरे बंदे की हेल्प चाहिए? नहीं, उसमें एक अकेला बंदा खुद ही कर लेगा ना, दो बंदों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, खुद ही चढ़ जाएगा। तो वो एक यूनिलेटरल एक्सरसाइज है। इस टाइप की एक्सरसाइज होती है यूनिलेटर, जिसमें कॉम्पिटिशन टाइप नहीं होता। और लेकिन अगर आप करवाते हो कुश्ती, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, तो कुश्ती हो गई एक बाइलेटरल एक्सरसाइज, मतलब कि जिसमें दोनों पक्ष इन्वॉल्व हों। अब रस्सा चढ़ने का काम ये नहीं है कि दोनों आर्मी नहीं कर रही, काम तो दोनों आर्मी साथ में कर रही हैं, लेकिन मतलब आपस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो भाई बाइलेटरल लेवल एक्सरसाइज का क्या मतलब है? एक दूसरे के खिलाफ कोई गेम छोटा मोटा कर सकती हैं ये, कुछ भी नेवी का। तो भाई इसका नाम है सिम्बेक्स 2018। तो ये हुई है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। एस से है सिंगापुर, आई से है इंडिया, सिंगापुर इंडिया, एम से है मिलिट्री, ठीक है, या फिर ये नेवल एक्सरसाइज है ना तो मिलिट्री, बी से है बाइलेटर, बाइलेटरल, ये मिलिट्री मेरे को डाउट है, नेवल एक्सरसाइज है, लेकिन आप सिम्बेक्स बी से याद रख सकते हो। बी से क्या है? बाइलेटरल, और ई एक्स से क्या हो गया? एक्सरसाइज। तो ये बी है इसके अंदर सिम्बेक्स, ये सिंगापुर के साथ है, ठीक है, सिंगापुर इंडिया बाइलेटरल एक्सरसाइज, क्लियर है जी। अब मैं आपको एक आधी और चीजें बता देता हूँ यहाँ पर। तो सिम्बेक्स तो आपको बता दी कि सिंगापुर एंड इंडिया के बीच में है। अब ये है स्लीनेक्स, तो एस एल से क्या हो गया? श्रीलंका, एस एल श्रीलंका। आई से क्या हो गया? आई एन से
इंडिया और ई एक्स से क्या हो गया एक्सरसाइज, तो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अब जिम एक्स, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, ये इनको याद रखने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सरसाइज इंदिरा 2018, तो भाई इंदर 2018 ये एक एक्सरसाइज का नाम है, ये कौन कौन से दो देशों के बीच में होती है, तो इसको भी याद करने का इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, IND से आप याद रख सकते हो इंडिया, ये याद रखने के तरीके बता रहा हूँ, ये मत बोलना कि RA से रशिया नहीं होता, RU से होता है, याद रखने के तरीके हैं। और RA से आप क्या याद रख सकते हो, रशिया, इंडिया और रशिया के बीच में होती है क्या, इंदिरा। अब एक और एक्सरसाइज होती है, ठीक है, जिसका नाम है एविया इंदिरा। अब एविया जो वर्ड है ये रिलेटेड है एविएशन से, एविएशन का क्या मतलब है, उड़ने से, मतलब कि एयरफोर्स से। तो इंडिया और रशिया के बीच में जब एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है ना, तो उसको बोलते हैं एविया इंदिरा। तो ये अब आपको याद हो गई, चलो भाई ठीक है मेरे भाई। और अब ये इंदिरा है ये क्यों हो रही है, ऑन कॉम्बैटिंग इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी को कॉम्बैट करने के लिए अंडर द एजीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में इंसर्जेंसी को फाइट करने में, ठीक है। अब अगला देखो, अब फिर से बायलैटरल एक्सरसाइज हो रही है, द्विपक्षीय एक्सरसाइज हो रही है, जिसका नाम है समुद्र शक्ति। तो भाई ये जो समुद्र शक्ति है, तो समुद्र से आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि ये नेवी की एक्सरसाइज होगी, ठीक है। तो कौन कौन से देशों के बीच में है ये, एक तो इंडिया देश हो गया और दूसरा देश है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी, ठीक है, इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में समुद्र शक्ति है, ये आपको याद रखना है, कई चीजें इनमें रटनी पड़ेंगी आपको। और ये है क्या, ये इनोग्रल एडिशन है, इनोग्रल एडिशन का क्या मतलब है कि पहला एडिशन है, इनोग्रेशन हुआ है इंडियन नेवी और इंडोनेशिया की बायलैटरल एक्सरसाइज का, ठीक है जी, और इंडोनेशिया में ये हो रही है। अगला क्वेश्चन है विच बैंक, मतलब कि कौन से बैंक ने क्या डिजाइन किया है, विच बैंक डिजाइंड एंड डेवलप्ड, एक बैंक ने कुछ डेवलप किया है जिसका नाम है पैसा पोर्टल। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये पैसा पोर्टल ये किस चीज के लिए है, तो यहां पर इसने लिख रखा कि क्विकर प्रोसेसिंग ऑफ लोन्स, कि लोन की क्विकर, जल्दी लोन मिलेगा अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर लोन जल्दी मिलेगा, किस चीज के लिए, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। अब ये नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ये किन चीजों को कवर कर रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है ना उनको लोन जल्दी मिल जाएगा, ये कहने की बात कर रही है, ठीक है। एक तो लोन सस्ता मिल जाएगा, इसकी सारी चीजें बता देता हूँ। सस्ता लोन का क्या मतलब है, सस्ता लोन का मतलब है कि कम रेट पर, कम ब्याज देना पड़ेगा, कम रेट पर लोन मिल जाएगा, ब्याज में छूट मिल जाएगी, और एक लोन जल्दी मिल जाएगा, ये सारी बातों की, ये सारी बातें कर रहे हैं पैसा पोर्टल के तहत, ठीक है। अब पैसा की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, पता मतलब एक बार पढ़ लो, रटने की जरूरत नहीं है, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड, अफोर्डेबल क्रेडिट का क्या मतलब है कि सस्ता, एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस, ये है भाई अपना पैसा पोर्टल। तो ये किसने लॉन्च किया है, ये किया है अलाहाबाद बैंक ने, अलाहाबाद बैंक ने ये डिजाइन और डेवलप किया है, और धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में फैलाने की कोशिश करेंगे सारे बैंकों के अंदर, ठीक है मेरे भाई। व्हाट इज द थीम ऑफ 2018 इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस, तो भाई 2018 का जो इंटरनेशनल डे है किस चीज का, ये चीज मेन है, एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस, वायलेंस को खत्म करना, अगेंस्ट वीमेन, तो वीमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है उसको खत्म करना, इसका जो इंटरनेशनल डे है उसकी थीम क्या है। तो अभी हैशटैग मीटू चला था ना, एक हैशटैग मीटू, तो उसी से लाइक मोटिवेटेड एक और है जो इसकी थीम बनाई गई है, दैट इज ऑरेंज द वर्ल्ड हियर मीटू, मतलब मुझे भी सुनो, ये उसकी थीम है, क्लियर है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये 25 नवंबर को मनाया जाता है एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन डे, टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन इश्यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, कि महिलाओं के खिलाफ जो भी वायलेंस, वायलेंस मतलब मारपीट के जो भी इश्यूज हैं उनके खिलाफ अवेयरनेस के लिए 25 नवंबर को। व्हाट इज द थीम ऑफ 2018 कैंपेन ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे, आपको याद करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए।
तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है उसकी थीम क्या है? तो सबसे पहले तो इसकी थीम बता दूं, दी फैमिली एंड डायबिटीज़, ये इसकी थीम है। अब जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये कब होता है ये मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे होता है 14 नवंबर को, लेकिन 14 नवंबर को एक और चीज़ होती है। एक और चीज़ क्या होती है भाई? चाचा नेहरू का जन्मदिन है, चिल्ड्रंस डे होता है। और आपको पता है चिल्ड्रन को कभी भी डायबिटीज़ नहीं होता, कभी भी डायबिटीज आपको बच्चों को नहीं होता हुआ मिलेगा। जो हंसते खेलते नॉर्मल बच्चे हैं, कोई मोबाइल में घुसा रहेगा तो उसको तो भाई होएगा ही, ठीक है? ऐसे काम करेगा तो उसको बच्चा कौन बोलेगा? उछलता कूद कूदता हसमुख जो बंदा है उसे बच्चा बोलेंगे। तो कभी भी बच्चे को डायबिटीज नहीं होगा, और उन्हीं के दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है ताकि और लोगों के भी ना हो, उनको भी एनकरेजमेंट मिले। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, तो दी फैमिली एंड डायबिटीज़, हर एक फैमिली में आजकल डायबिटीज़ किसी न किसी बंदे को मिल ही रही है, ऐसा हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, ये इसकी थीम है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है? ये अवेयरनेस के लिए ये मनाया जाता है। देन नोट्स ऑफ ए ड्रीम, किसी ड्रीम के नोट्स, आपने मैथ के नोट्स बनाए हैं ना, बायोलॉजी के नोट्स बनाए हैं, फिजिक्स के नोट्स बनाए हैं, लेकिन अपने सपनों के नोट्स बनाए हैं? हाँ जी। तो ऐसी एक ये बुक का नाम है जो कि किस रिनाउंड इंडियन म्यूजिशियन की बायोग्राफी है। तो ये किसकी बायोग्राफी? ये है ए आर रहमान की बायोग्राफी। तो आपने आजा आजा वो गाना जय हो वो सुना तो होगा आपने वो गाना, है? और कई सारे ए आर रहमान के गाने सुने होंगे, मतलब तहलका मचा हुआ है ए आर रहमान ने। लेकिन पहली बार ए आर रहमान के बारे में, मतलब उनकी लाइफ के बारे में, उनकी फिलोसफीज के बारे में, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किए, उन चीज़ों के बारे में मतलब बोला जा रहा है इस बुक के थ्रू। तो ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नोट्स ऑफ ए ड्रीम, इसके सपनों के नोट्स लिए गए ए आर रहमान के, ठीक है? कृष्णा त्रिलोक ने ये बायोग्राफी लिखी है। देन विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोवरेन ब्लू बॉन्ड? तो भाई ये सोवरेन ब्लू बॉन्ड है क्या? सबसे पहले तो ये बता दूं, देखो ब्लू का मतलब है ये वाटर से रिलेटेड है, ठीक है? ब्लू इकोनॉमी किसको बोलते हैं? पानी से जो कमाई होती है उसको। तो फर्स्ट सोवरेन ब्लू बॉन्ड ये क्या है? लाइक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर ऐसी कंडीशन से आप इसको बोल सकते हैं जिनके तहत क्या है कि भाई सस्टेनेबल, सस्टेनेबल जब भी ये वर्ड आ जाए इसका क्या मतलब है कि बिना नुकसान पहुंचाए नेचर को, इस तरह से डेवलपमेंट करनी है कि भाई नेचर को नुकसान भी ना हो और मैक्सिमम डेवलपमेंट भी हो जाए, ठीक है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है किस चीज़ के थ्रू? जैसे पानी से जो भी चीज़ें निकलती हैं, पानी के थ्रू जो भी इकोनॉमी बढ़ती है, फिशिंग वगैरह इन चीज़ों के थ्रू, तो उन कंडीशंस का या उस चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है फर्स्ट सोवरेन ब्लू बॉन्ड से, ठीक है? आप ऐसे इस चीज़ को याद रख सकते हो। तो फर्स्ट सॉवरेन ब्लू बॉन्ड सेचलेस ने लॉन्च किया है, सेचलेस ने ये इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है। सेचलेस जो है ये एक आइलैंड है इंडियन ओशियन के अंदर, ठीक है जी? तो यहाँ पर मैं आपको सेचलेस दिखा देता हूँ। सेचलेस यहाँ पर होएगा, यहाँ से तो यहाँ पर होएगा और यहाँ से यहाँ पर, तो कुछ यहाँ पर आपको सेचलेस मिलेगा, बिल्कुल छोटा सा एक आइलैंड, ठीक है? और सेचलेस की कैपिटल है विक्टोरिया, प्रेसिडेंट है डेनी फोरे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज, जो नीचे हैं इनमें से कौन सा बंदा इंडिया का चीफ गेस्ट होगा 26 जनवरी 2019 को, ये पूछा जा रहा है रिपब्लिक डे पर। तो भाई रिपब्लिक डे पर अब की बार सिरिल रामाफोसा हमारे चीफ गेस्ट होंगे, तो अपने इंडिया के, ठीक है? तो सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के हैं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। और इससे पहले साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट आए थे अपने इंडिया के अंदर, वो 1995 में आए थे, और 1995 में जो आए थे उनका नाम क्या था? काफ़ी फेमस है साउथ अफ्रीका से, एक बार जल्दी से नाम बोलिएगा, जल्दी से मैं लिख रहा हूँ, नेल्सन मंडेला। जी हाँ, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, सिरिल रामाफोसा। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चंदपुरी जो सेना निवृत्त हैं, मतलब कि भाई रिटायर्ड हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वो एक बैटल के अंदर उन्होंने बहुत ही मतलब काफ़ी फेमस बैटल है, उसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। तो वो कौन सा बैटल है जिसके अंदर उन्होंने वीरता दिखाई थी? तो भाई वो है लोंगोवाल की लड़ाई, बैटल ऑफ लोंगोवाल, ठीक है? ब्रिगेडियर रिटायर्ड कुलदीप सिंह चंदपुरी।
और जो चंदपुरी जी हैं उनको ये जो मिला है, मतलब ये लोंगोवाल की लड़ाई के लिए जो इतना शौर्य मिला है, जो फेमस हुई है, उनका रोल सनी देओल ने किया है बॉर्डर मूवी के अंदर। बॉर्डर मूवी के अंदर सनी देओल ने उन्हीं की स्टोरी को दर्शाया है। तो आप देख सकते हैं भाई, सनी देओल को लेना पड़ा था उनकी बहादुरी को दिखाने के लिए। तो और एक आधी चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मौका मिल गया है कि भाई इंडियन आर्मी जो है अपनी दो तरह के अवार्ड देती है। एक तो वार टाइम, जब लड़ाई में कोई बहादुरी दिखाए, और एक पीस टाइम पर कोई बहादुरी दिखाए, मतलब बैटल नहीं चल रहा हो लेकिन तब भी क्रेजियस वर्क करें। तो वार टाइम के जो अवार्ड हैं वो तीन तरह के हैं। सबसे ऊपर परमवीर चक्र, नीचे महावीर, फिर उससे नीचे वीर चक्र। और ऐसे ही पीस टाइम के हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। ये भी आप रिवाइज कर लो, ठीक है भाई। अब तो कौन सा आर्टिकल है जो समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? कमजोर और गरीब वर्ग को मुफ्ती में, मतलब कि अगर उनके पास वकील नहीं होगा तो गवर्नमेंट खुद का वकील करेगी फ्री में। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 39A, ए इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 39A है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ये यहाँ पर ईयर मैं लिखना भूल गया हूँ, ये आप इंटरनेट से देख सकते हैं। और ये शायद 1995 होएगा, आप कमेंट करके नीचे बताइएगा ये ठीक है कि नहीं। तो द नेशनल लीगल सर्विस डे, ये डे स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 9 नवंबर को, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस डे। और तब से इनको क्या दिया जा रहा है, गरीब बंदे को फ्री में लीगल असिस्टेंस दी जा रही है कि फ्री में उनकी तरफ से वकील होएगा, ठीक है, उनको हेल्प मिलेगी जितने भी मिल सकेगी स्टेट की तरफ से। और हर एक साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, वो किस नेता की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? तो भाई एकता की अगर हम बात करें तो हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया गया था। अब क्यों मनाया गया था? अब भाई वल्लभ भाई पटेल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से क्यों लिंक कर रहे हैं, किसी और को क्यों नहीं कर रहे, ये मैं आपको बताता हूँ। जब इंडिया आज़ाद हुआ ना तो कम से कम 565 टुकड़े हुए थे इंडिया के आज़ाद, बताया आपको, 565 रियासतें आज़ाद हुई थी जहाँ तक मेरे को आंकड़े याद हैं। तो उन सबको यूनाइट करके, उन सबसे बातें करके, उनको जो प्यार से माना उसको प्यार से, जो डरा के माना उसको डरा के, सबको यूनाइट करके एक सूत्र में बांधने वाले बंदे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका सबसे बड़ा हाथ रहा है इस चीज़ में, इसीलिए इनको, इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं का गुजरात के अंदर हाल ही में 31 अक्टूबर को इनका जन्मदिन है ना, इन्हीं का जो पुतला है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, दुनिया में सबसे ऊंचा पुतला, वो खड़ा किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि भाई प्रतिष्ठित, मतलब कि जाना माना राजा राम मोहन रॉय अवार्ड। तो भाई राजा राम मोहन रॉय के बारे में कुछ बातें जानते हो या मैं बता दूं पहले? तो देखो राजा राम मोहन रॉय जो थे, उन्होंने एक तो, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख देता हूँ। उन्होंने एक तो ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी, आपको पता होना चाहिए। उन्होंने सती प्रथा को बैन किया था, वो ही थे जिन्होंने चाइल्ड मैरिज को बैन किया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी सती को बंद करने में हेल्प की थी ना, और यही हैं जिनको आधुनिक भारत का जनक बोला जाता है। आधुनिक भारत का जनक जिनको बोला जाता है, या फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, ठीक है। और राजा राम मोहन राय एक जर्नलिस्ट भी थे, एक पत्रकार टाइप भी थे, ठीक है, उस वक्त जैसे भी अखबार होते थे उनके। तो जो भी पत्रकार, जो भी जर्नलिस्ट बहुत ही अच्छा काम करेगा उसको राजा राम मोहन रॉय अवार्ड दिया जाता है। तो ये अब की बार किसको दिया गया है? राजा राम मोहन राय के नाम में क्या है? राम। और जिसको मिला है उनके नाम में भी है राम। ये देखो हो गया, अब और क्या चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एन राम को ये मिला है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने दिया है। और नवंबर 16 को नेशनल प्रेस डे होता है, उस दिन इन्होंने इनको ये अवार्ड दिया है। अब नवंबर 16 को प्रेस डे आप कैसे याद रखोगे, ये भी इजीली तरीका बता देता हूँ। देखो 16 से रिलेट करेंगे, 16 से मैं क्या रिलेट करूंगा, 16 से मैं रिलेट करूंगा 16। 16 क्या होता है? गरम। और
प्रेस, इस प्रेस से मैं रिलेट करूंगा कपड़े वाली प्रेस, ठीक है, कपड़े वाली प्रेस। तो कपड़े वाली प्रेस क्या होती है, गरम। तो बस यहां से आपको लिंक मिल गया कि जो नेशनल प्रेस डे कब है, नेशनल प्रेस डे को आप न्यूज़पेपर वाली प्रेस के बजाय जो कपड़े वाली प्रेस याद कर लो, वो होती है गरम। और शोला कोई और डेट नहीं है जो ऐसी गरम चीज आपको बताएगी, शोला है, शोला जैसी। तो 16 तारीख को होती है। बाकी अब हर एक ऐसे तो देगा नहीं एग्जामिनर ऑप्शन में 16 दिसंबर, 16 नवंबर, 16 अक्टूबर, ऐसे इतना कंफ्यूज नहीं करता, ठीक है। अब कौन से दो राष्ट्र हैं जिन्होंने एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी के दौरान संयुक्त जीत हासिल की है, मतलब कि दोनों देश फर्स्ट आ गए। तो भाई इंडिया का प्यार पाकिस्तान के साथ ही ज्यादा है, तो यहाँ पर उत्तर है इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो कप है ये हॉकी का है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, अगर आपने भाई अक्षय कुमार की मूवी देखी है गोल्ड, तो उसके अंदर दो ही टीमें स्ट्रांग दिखाई गई है, इंडिया और पाकिस्तान। ये टीमें काफ़ी सुपर स्ट्रांग दिखाई गई है, तो आप उस मूवी के हेल्प से याद कर सकते हो कि भाई अगर फर्स्ट और सेकंड आएंगी तो इंडिया और पाकिस्तान की ही टीम आएंगी कंबाइंड। तो ये पाकिस्तान के कैप्टन हो गए या इंडिया के कैप्टन हो गए, तो इंडिया एंड पाकिस्तान की टीम ने इकट्ठा ये कप उठाया, ठीक है। और ये जो चैंपियनशिप हो रही थी मस्कट ओमेन के अंदर हो रही थी। हु विल बी कन्फर्ड विथ 2016 टैगोर अवार्ड। तो भाई ये जो टैगोर पुरस्कार दिया जाता है हर एक साल, जो भी कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो भी बंदा अच्छी चीज़ करता है उसको, तो 2016 वाला किसको दिया गया। तो यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, कि 2014, 15 और 16 के जो अवार्ड हैं, ठीक है, ये 2018 के अंदर ही दिए गए, ठीक है। और 17-18 के बारे में तो मुझे पता भी नहीं है, ये अवार्ड अभी लेटेस्ट अनाउंस किए गए हैं। तो 2016 का जो अनाउंस किया गया है वो दिया गया है अपना एक रामवांजी सूत्र, रामवांजी सूत्र। आप इसको कैसे याद रखोगे, अभी छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि वो एक रिनाउंड स्कल्प्टर है। स्कल्प्टर का मतलब है कि पुतले बनाता है। अभी हाल ही में किसका पुतला बना, हाल ही में पुतला बना क्या, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुतला बनाने में भी इसका हाथ है, रामवांजी सूत्र का, इन्होंने उसको डिजाइन किया है। तो भाई वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध दिया, एकता के सूत्र में बांध दिया ना, और इनका पुतला बनाने के लिए भी सूत्र बंदा ही आया, सूत्र, रामवांजी सूत्र। तो 2018 का जो इनाम है वो भी सूत्र को ही मिला, ठीक है। और 14 और 15 के बारे में भी आप पढ़ सकते हो, ये भी 18 में ही अनाउंस हुए। अब विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, इंडिया का कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको अनाउंस कर दिया गया है यूनिसेफ का इंडियाज फर्स्ट एवर यूथ एम्बेसडर। तो जो यूनिसेफ इंडिया है ना, पहली बार उसका कोई यूथ एम्बेसडर चुना गया है। तो पहली बार चुना गया, अब तक नहीं चुना गया, तो वो किसे चुना गया, तो वो चुना गया है हिमा दास को। हिमा दास ने 400 मीटर के अंदर बड़ा जोश दिखाया था, पहली बार ट्रैक में अंडर 19 में ये मेडल लेके आई है इंडिया की तरफ से, गोल्ड ये लेके आई थी, ठीक है। तो भाई हीमा दास को स्पोर्ट्स एम्बेसडर भी बनाया गया था, स्पोर्ट्स एम्बेसडर। स्पोर्ट्स एम्बेसडर कौन से स्टेट का, असम का, ठीक है, खेल राजदूत बनाया गया था असम की तरफ से हैं। और असम के अंदर इनको ढिंग एक्सप्रेस भी कहते हैं। अब कोई असम का बंदा देख रहा हो तो भाई बता देना ये ढिंग का क्या मतलब है कमेंट करके, ठीक है, सबको पता लग जाएगा, ठीक है जी। और अब करते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों के लिए गो समृद्धि प्लस योजना लॉन्च की। अब ये गो समृद्धि प्लस योजना क्या है, मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, ये है एक इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अब इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर छूट दी गई है, उसे बोल रहे हैं गो समृद्धि प्लस। तो जो भी किसान डेयरी पालन करते हैं उनके पास गाय होगी, ठीक है, ऐसे तो भैंस भी हो सकती है, तो भाई उनको इंश्योरेंस में छूट दे रहे हैं उन किसानों को। तो ये केरला के अंदर लॉन्च की गई है, ठीक है, उनके अंदर छूट क्या दे रहे हैं, देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा जातिवाद झलक जाएगा वैसे। तो जो फार्मर जनरल कैटेगरी के हैं, फार्मर तो बेचारा फार्मर है, इकोनॉमिकल बेसिस तो दोनों का सेम ही हो गया, लेकिन जनरल कैटेगरी के जो फार्मर हैं उनको 50% सब्सिडी मिल जाएगी प्रीमियम के ऊपर, जो इंश्योरेंस की प्रीमियम भरेंगे। और जो एससी और एसटी कैटेगरी के हैं उनको 70% सब्सिडी मिल जाएगी, ठीक है। तो केरला के अंदर ऐसा हो रहा है, ये है अपना केरला।
माइकल डी हिगिंस ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है? तो भाई पहले भी ये बंदा जीत गया था, अब फिर से ये बंदा जीत गया है। तो ऐसा हुआ है आयरलैंड के अंदर, ठीक है, आयरलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से आयरलैंड का प्रेसिडेंट एक ही बंदा दुबारी बन गया। और आयरलैंड की कैपिटल क्या है? आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में छठी भारतीय सामाजिक कार्य कांग्रेस तो क्या हुई है? सिक्स्थ इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस, इंडिया के अंदर जो सोशल वर्क हुए हैं उनकी बैठक हुई है, उनके लिए कांग्रेस हुई है, बैठक हुई है नई दिल्ली के अंदर सोशल वर्क के ऊपर। तो वहां पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है किसी को, तो वो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है सोशल वर्क के ऊपर, ध्यान रखिएगा, वो किसे दिया गया है? वो मार्था फेरेल को दिया गया है। किसे? मार्था फेरेल। तो मार्था फेरेल को अवार्ड क्यों दिया गया है ये मैं आपको बता देता हूँ। मार्था फेरेल ने काम किया है टुवार्ड्स जेंडर इक्वलिटी, सोशल काम है ना, मतलब कि भाई जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों के बराबर लाने में, वीमेन्स इम्पावरमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये भी बचाया है महिलाओं का। ठीक है, लेकिन इनकी डेथ हो चुकी है। सीवाज अमंग 14th पीपल किल्ड इन टेररिस्ट अटैक, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था काबुल के अंदर गेस्ट हाउस के अंदर, तो वहां पर 14 लोग मारे गए थे जिनमें वो भी शामिल थी। तो ये है अपनी मार्था फेरेल। अब अगला क्वेश्चन है, 2019 के आम चुनाव के लिए जो भी होंगे, ठीक है, जनरल असेंबली के चुनाव, उनके लिए युवाओं का योगदान बढ़ाने के लिए कि भी जवान जो बंदे हैं वो भी चुनाव के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उसके लिए कोई ट्विटर ने पहल स्टार्ट की है, तो उस पहल का नाम क्या है? तो उस पहल का नाम है पावर ऑफ 18। ठीक है मेरे भाई, अब ये पावर, हैशटैग पावर ऑफ 18 ये क्यों स्टार्ट की गई है? ताकि जो अपने यूथ हैं, जो अपने जवान खून है, उसको एनकरेज किया जा सके टू कंट्रीब्यूट इन पब्लिक डिबेट्स एंड पार्टिसिपेट, पब्लिक डिबेट्स के अंदर कंट्रीब्यूट करें और पार्टिसिपेट करें। ठीक है मेरे भाई, अब ये 18 क्यों आया? क्योंकि 18 ईयर्स जो है वो वोटिंग की एज है, इसीलिए। ठीक है कि 18 साल के बाद बंदे में एक पावर हो जाती है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने की। अब अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान स्टार्ट किया है? नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान, तो भाई ये स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। मैंने ये कैसे याद कर लिया? मेरे को तो देखो इजीली याद हो गया, हो सकता है आपको भी ऐसे याद हो जाए, क्योंकि मतलब यूपी की इमेज कोई खास तो है नहीं, यूपी की इमेज खास नहीं है ना, इस बात से मानते हो तो यूपी वाले हो तो भाई गुस्सा मत होना, देखो है यूपी की इमेज खास तो है नहीं, ऐसी है कि भाई वहां पर गुंडागर्दी है। तो भाई यूपी को ही जरूरत है नारी सशक्तिकरण की, अगर किसी को सबसे ज्यादा जरूरत है तो याद करने के लिए एटलीस्ट आप इतना सोच सकते हो कि वीमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है तो यूपी को है, और उन्होंने ही नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान, वहां के लोगों को ही संकल्प लेने की जरूरत है, तो आपको याद हो जाएगा कि यूपी के अंदर ये लॉन्च किया गया है। अब इसके अंदर होगा क्या? एक तो ये जो कैंपेन है ना, इसके अंदर ये बेसिक चीजें आपको बतानी जरूरी है, नहीं तो आपको मतलब कुछ याद ही नहीं रहेगा कि भाई यूपी के अंदर देखो कितनी पॉपुलेशन है। यूपी के अंदर एक महीने तक जितने भी वीमेन ऑफिसर हैं वहां पर, ठीक है, वो टीम बनाएंगे, जो भी फीमेल स्टाफ है वहाँ के ऑफिसिस में वो एक टीम बनाएगा और डोर टू डोर जाएगा और महिलाओं को एजुकेशन के बारे में बताएगा, हेल्थ के बारे में बताएगा, क्लीनलीनेस के बारे में बताएगा। ठीक है, तो कई चीज़ों के बारे में महिलाओं को वो बताने वाले हैं यूपी के अंदर, नारी की सशक्तिकरण करने वाले हैं। ठीक है, ये है यूपी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन बोले तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने 2018 में सांगई, या फिर इंग्लिश पढ़ के मेरे को लग रहा है संगाई, संगाई संगाई फेस्टिवल, तो भाई सांगई महोत्सव या संगाई महोत्सव ये मणिपुर में हो रहा है। ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले, तो मणिपुर का कोई बंदा है तो कमेंट कर तो देख रहा है कि ये संगाई है या सांगई। ठीक है, वैसे मणिपुर वालों की हिंदी कमज़ोर होती है, इंग्लिश में कमेंट करेगा तो पता भी नहीं चलेगा संगाई बोल रहा है सांगई। तो भाई जो संगाई फेस्टिवल है वो बूस्ट करेगा टूरिज्म को, ये मणिपुर के अंदर मनाया जाता है, क्लियर है? तो ये एक एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है जो मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट
मणिपुर को एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोट करने के लिए कि भाई वर्ल्ड लेवल की टूरिज्म डेस्टिनेशन है मणिपुर, छोटी मोटी नहीं है, ऐसे प्रमोट करता है। और इस बार है ना वहाँ पर थाईलैंड के प्रिंसेस भी आए हैं। ये चीज़ें रटने की नहीं है, ठीक है, कि भाई थाईलैंड के प्रिंसेस आए हैं, फालतू की चीज़ें रटना मत, वैसे ही बता रहा हूँ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड? तो भाई ये जो अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड कर लिए आपस में, तो इसका फर्स्ट एडिशन कौन से स्टेट में हुआ? तो भाई ये जो इसका भी इम्फाल के अंदर हुआ। अगर हम स्टेट की वेयर वाज, तो स्टेट ने पूछा, तो इम्फाल के अंदर इनका फर्स्ट एडिशन हुआ। क्लियर है? मणिपुर के अंदर, ये आपको याद रहना चाहिए। वेन द नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? तो भाई नेशनल एजुकेशन डे हर एक साल कौन से, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, देखो शिक्षा जो है, शिक्षा क्या करती है, आपकी ताकत को बढ़ाती है। और ताकत से रिलेटेड एक सेविंग है कि एक और एक दो नहीं होते, 11 होते हैं। एक और एक क्या होते हैं, 11। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो कि 11 नवंबर को, 11 नवंबर को अपना नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। क्लियर है मेरे भाई? तो अब ये मनाया क्यों जाता है 11 नवंबर को, ये मैं आपको बता दूं कि अपने फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फर्स्ट मिनिस्टर जो रहे हैं इंडिया के, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है 11 नवंबर को। ठीक है, तो इंडिया में जो बंदे फर्स्ट में जो आए ना, उनके मजे हैं, उनके जन्मदिन के नाम पर कई चीज़ें मनाई जा रही है। ठीक है, जो अपने जवाहरलाल नेहरू हैं उनके जन्मदिन, जो पहले पीएम हैं उनके जन्मदिन पर मनाया जा रहा है अपना चिल्ड्रंस डे, जो अपने पहले शायद डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, जो यूनिटी क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके जन्मदिन पर मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, और अपने पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं उनके नाम पर मनाया जा रहा है अपना टीचर्स डे। और ये मैंने अभी अभी बताया, जो पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रहे हैं उनके नाम पर मनाया जा रहा है मौलाना, तो अपना नेशनल एजुकेशन डे। अब अगला क्वेश्चन, कौन सा खेल पत्रकार द फायर बर्न्स ब्लू ए हिस्ट्री ऑफ वीमेन क्रिकेट इन इंडिया किताब का लेखक? तो भाई द फायर बर्न्स ब्लू, ये मैं आपको एक किताब दिखा देता हूँ, ये किताब है, तो कौन इसका लेखक है ये पूछा है, तो ये वीमेन क्रिकेट के ऊपर आधारित है। ठीक है, कि जो वीमेन क्रिकेट है इंडिया में उसकी हिस्ट्री ये पूरी बताई है इसके अंदर। तो इसका जो अपना लेखक है वो है करुणा केशव, करुणा केशव। ठीक है, ये चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी, कभी कभी कुछ के अंदर कुछ ट्रिक्स मिल जाती हैं। किस देश की टीम ने 2018 डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता? तो इसके अंदर एक फैंटास्टिक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक मैं आपको ये बात बता दूँ कि भाई जो डेविस कप है वो टेनिस के लिए होता है। ठीक है, ये टेनिस टूर्नामेंट बोला है, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट, तो आप इसको इजीली याद रख सकते हो, आप इसको रिलेट करो फीफा कप से। अब ये डेविस कप 2018 है, ये इंपॉर्टेंट है, तो फीफा 2018 का आपको रिजल्ट बताऊं मैं। फीफा 2018 में फर्स्ट आया फ्रांस और सेकंड आया क्रोशिया, मतलब कि भाई फ्रांस ने क्रोशिया को हरा दिया फाइनल के अंदर, क्रोशिया की बेइज्जती कर दी। अब क्रोशिया ने क्या किया, उस बेइज्जती को 2018 के डेविस कप के अंदर उसका बदला लिया। तो क्रोशिया जो है, अगर ये फीफा 2018 के बजाय यहां पर मैं डेविस कप 2018 की बात करूं, तो क्रोशिया इसके अंदर आया है फर्स्ट और क्रोशिया ने फ्रांस को हराया है। और फीफा और डेविस दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद करनी है, तो यहाँ पर दोनों का रिलेशन आपको मिल गया। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा भाई, डेविस कप किसने जीता, क्रोशिया ने जीता, तो बिल्कुल याद हो गए ना दोनों। तो इसी बात पर एक लाइक ठोक दो अगर ये बात पसंद आई तो तुरंत, ठीक है मेरे भाई? और ये बात कैसी लगी इसको कमेंट करके ही बता दो, मुझ तक पहुंचा दो, मैं बढ़ता हूँ आके। बीसीसीआई द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार आयु धोखाधड़ी के दोषी क्रिकेटर को कितने सालों का प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा? अगर कोई उम्र में छेड़छाड़ करेगा, अपने आप को छोटा दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा, तो
तो कितने साल तक के लिए उसे बैन कर दिया जाएगा? तो भाई बीसीसीआई जो है उसके अंडर में कई टूर्नामेंट आते हैं, जो उसके अंडर में नहीं आते उनसे तो बैन नहीं कर सकती। तो जो टूर्नामेंट उसके अंडर में आते हैं उन सारे टूर्नामेंट से वो जो भी प्लेयर उम्र की धोखाधड़ी करेगा उसको 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। यहाँ पर उत्तर है पूरे 2 साल के लिए बैन कर दिया। ठीक है, ये आपको बिल्कुल रट लेना है। अब बीसीसीआई बिकॉज इंपॉर्टेंट बॉडी है तो उसके बारे में, उसके प्रेसिडेंट हैं सी के खन्ना। अब जो प्रेसिडेंट है उसके नाम में ही क्रिकेट की झलक आ रही है, और आगे है सी के खाना, मतलब खाना पीना सब कुछ क्रिकेट। ये देखो क्रिकेट, सी के खाना, क्रिकेट खाना है उसको, तभी तो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनेगा। वीमेन कोच हैं रमेश पवार और मेंस कोच हैं रवि शास्त्री। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आए तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और हाँ, अगर आगे से ऐसी वीडियोस आपको चाहिए तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर इन सारी चीज़ों को मैं आपको एक जगह पर दे दूँ, तो एक जगह का क्या मतलब है कि मंथली करंट अफेयर भी एक जगह पर, ठीक है, डेली करंट अफेयर भी एक जगह पर, और मैथ की वीडियोस भी, इंग्लिश की वीडियोस भी एक जगह पर। अगर ये सारी चीज़ें एक जगह पर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एंड्रॉयड ऐप है, एक एंड्रॉयड ऐप का लिंक है, उस एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। बस उसे खोलोगी सारी वीडियोज़ एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।